पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया के लिए एक बैड न्यूज है। पर कैसे? सबसे पहले तो इस क्राइसिस के कारण पाकिस्तान के लोग हाई नंबर्स में बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए इंडिया में एज रिफ्यूजीज एंटर हो सकते हैं और ये इंडिया के लिए इकोनॉमिक, सोशल और सिक्योरिटी इश्यूज पैदा कर सकता है। सेकेंडली, एक इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ सकता है। बेसिकली एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा जिससे TTP और लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स पावर में आ सकते हैं और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक मेजर चैलेंज हो सकता है, स्पेशली जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। फाइनली, इस इकोनॉमिक क्राइसिस का फायदा उठाकर चाइना पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का लोन अप्रूव किया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना इस लोन के बदले पाकिस्तान को उनकी डिमांड्स मानने के लिए मजबूर करेगा और ये डिमांड्स मोस्टली इंडिया के अगेंस्ट होंगी।